होमिनिस्ट साहब ने बयान दिया बाहर, उन्होंने कहा कि कश्मीर जम्मू कश्मीर में इस वक्त पीसफुल है। अगर वाकई पीसफुल है तो मुहर्रम की जुलूस पर पाबंदी क्यों, क्यों पाबंदी क्यों? ठीक ठाक अगर चल रही है, अगर टूरिस्ट ठीक ठाक आ रही है, दुध पत्र आ रही है, गुलमर्ग हम उसको वेलकम कर रहे हैं, हम अमरनाथ यात्रा को वेलकम कर रहे हैं, हम दुधपत्री को जो हमारे सयाह आ रहे हैं हम उसको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन मुहर्रम पे पाबंदी क्यों? और रोज रोज श्रीनगर में प्रोटेस्ट है, जम्मू में प्रोटेस्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट क्यों? अगर इन्होंने ठीक किया तो प्रोटेस्ट क्यों? ये इनको खुद ही जवाब वापस मिलता है। तो ये मुहर्रम में हमेशा जब से सरकार यहाँ वजूद में आ गई तब से यहाँ हमेशा शिया आबादी वाले आलम इस मुहर्रम के हवाले से राशन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों से कुछ भी नहीं है। बताइए कि जिस तरह से सरकार के दावे रहते हैं कि मुहर्रम के हवाले से मुहर्रम आते ही सरकार उत्तरी होती है कि शिया आबादी इलाकों में पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, सड़कों के हवाले से उनको रिपेयर किया जाता है, पानी की पाइपें जो है उनको रिपेयर किया जाता है, लाइट्स लगाई जाती है, क्या लगता है आपको, क्या हकीकत है ये या आपको बस ये खाली ड्रामा लगता है? ये बिल्कुल जब से 5 अगस्त 2019 एप्लीकेशन आर्टिकल 370-35 तब से सरकार ने बहुत बहुत बड़े दावे किए, पर हकीकी जमीनी सतह पे कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का शुमारा प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बड़गाम, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है, मोहम्मद अशरफ। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर माहे मुहर्रम आज चल रहा है, आज चौथा मुहर्रम है, और इस मुहर्रम के हवाले से अगर मुहर्रम के नाम पे बड़े बड़े फंड्स आते हैं या बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं कि अहले तशी बरादरी जो है उनको उनके गांव में पानी बिजली सड़कों को ठीक किया जाएगा, रिपेयर किया जाता है, मगर आज हम इस ज़िमन में जानेंगे मोहम्मद अशरफ साहब से कि क्या वाकई ये हकीकत है कि ये डेवलपमेंट हो रही है, ग्राउंड लेवल पर ये काम होता है, आज जाने की कोशिश करेंगे। अशरफ साहब, पहले आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया जनाब। आप हमें बताइए कि जिस तरह से सरकार के दावे रहते हैं कि मुहर्रम के हवाले से मुहर्रम आते ही सरकार मुतरिक होती है कि शिया आबादी इलाकों में पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, सड़कों के हवाले से उनको रिपेयर किया जाता है, पानी की पाइपें जो है उनको रिपेयर किया जाता है, लाइट्स लगाई जाती है, क्या लगता है आपको, क्या हकीकत है ये या आपको बस ये खाली ड्रामा लगता है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल का, आपने ये अपना कमती वक्त निकाला इस मुहर्रम के हवाले से जो आपने मेरे साथ बात की, ये बिल्कुल खखोला दावा है। जब से 5 अगस्त 2019 एप्लीकेशन आर्टिकल 370-35 हुआ तब से सरकार ने बहुत बड़े दावे किए, पर हकीकी ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं नज़र आज तक नज़र नहीं आ रहा है, चाहे बिजली के लिहाज से, पीने के पानी के लिहाज से, राशन के लिहाज से, मिट्टी के तेल के लिहाज से, सड़कों के लिहाज से, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर वाकई सरकार ये दावा कर रही है कि हमने डेवलपमेंट की ऐलान बहुत हुए है, बिल्कुल मैंने कल भी परसों भी देखा, उससे पहले एक दिन भी मैंने देखा, डिविजनल कमिश्नर साहब श्रीनगर से मागम आ गया, किस वजह से? मुहर्रम है। अगर वाकई है, हम इसके लिए अपनी जान भी नजरना पेश करेंगे, लेकिन सरकार को ये चाहे कि जो दावा कर रहे हैं वो जमीनी सतह पे होना चाहिए। जमीनी सतह पे कुछ भी नहीं है, न पानी के लिहाज से, न बिजली के लिहाज से, न सड़कों के लिहाज से, न राशन के लिहाज से, न टिम्बर के लिहाज से। मैंने बहुत दावे सुने हैं आज तक, लेकिन हकीकी जमीनी सतह पे कुछ नहीं है। आपने चावल की बात की, तो अगर एक तरफ से सरकार ने पहले 10 किलो, उसके बाद 5 किलो, उसके बाद 4 किलो, तो अलग से एक फंड आती थी मुहर्रम के लिए, शिया बरादरी के लिए, शिया इलाकों के लिए, कि उनको इसमें खर्चा ज़्यादा होते हैं, तो उनमें चावल उस टाइम बांट दिया जाता था, मगर इस साल ऐसा नहीं देखने को मिला, क्या वजूहत रहे होंगे? सरकार की गलत पॉलिसी, जो सरकार में इस वक्त चला रहे, चाहे जिला सूबाई इंतजामिया, चाहे जिला इंतजामिया, वो इनकी गलत पॉलिसी है। मुहर्रम में हमेशा जब से सरकार यहाँ वजूद में आ गई तब से यहाँ हमेशा शिया आबादी वाले आलम इस मुहर्रम के हवाले से राशन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों से कुछ भी नहीं है।
राशन के हवाले से कुछ भी नहीं। आज लोग सड़क में निकलने के लिए तैयार किए राशन के हवाले से, जब राशन नहीं है, जब सरकार बड़े दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया इन लोगों के लिए, तो आप सोचिए राशन नहीं है इस वक्त चौथा मुहर्रम चल रहा है, राशन नहीं है, टिम्बर नहीं है, तो सरकार क्या दावा कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फकोरे दावा है। तो मैंने पहले भी अर्ज किया ये सरकार की गलत पॉलिसी है। इस वक्त सब डिवीजन बीरवा की मैं बात करूंगा, वहां एक ADEE साहब, एक JEE साहब, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें खान साहब भी बहुत सारे गांव आते हैं इसके साथ, एक ऑफिसर कितने गांव को हैंडल कर रहे हैं। इस वक्त सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम करेगा मुलाजिम इनके है कहां? बहुत सारे इन 10 सालों में रिटायर हो गए हैं, अभी तक नया कोई लगाया नहीं। पानी कैसे चलेगा, बिजली कैसे चलेंगे, सड़क कैसे ठीक हो जाएंगे? सरकार की गलत पॉलिसी है। तो आपने हर बात में यही कहा है कि सरकार की गलत पॉलिसी है, तो सरकार को अपनी जो गलत पॉलिसी है किस तरह से दूर करनी चाहिए? कम से कम इनको इन नौजवानों को एडजस्टमेंट करनी चाहिए। इस वक्त बहुत सारे नौजवान हमारे पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े डिग्री कर रहे हैं, उनको अकोमोडेट करना चाहिए, जो जमीनी सतह पे काम करेगा, जो बिजली के लिहाज से काम करेगा, सड़कों के लिहाज से काम करेगा, पीने के पानी के साथ काम करेगा, जैसे पिछले सरकार कर रहे हैं। हम हर गांव में मुलाजिम, हर डिपार्टमेंट में, चाहे बिजली के हो, पानी के हो, सड़कें के हो, आज कहीं है नहीं। पिछले 10 सालों से मुझे दिखाओ एक जगह वो है जिसमें किसी मुलाजिम को इन्होंने लगाया। नौजवान इतने लिखे पड़े हैं बेचारे, बेरोजगार बैठे हुए हैं। आजकल ज्यादा सर हर रोज ये ऐलान कर रहे हैं कि हम ड्रग डिटेक्शन वो उस पर काम करेंगे, कहां चल रहे, कैसे चलेगा? जब ये नौजवान बेचारा इतना पढ़ा लिखा है, इसके पास कोई रोजगार का कोई वसाइल है नहीं, तो कहेगा क्या वो? एक तरफ वो करे दावा हम इनके लिए महफूज जिंदगी बचा रहे हैं, दूसरी तरफ इनके लिए कम से कम इंतजाम तो होने चाहिए। अगर सरकार यही लोग चला रहे हैं, ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हमने नौजवानों के लिए ये किया, क्या किया? इतने नौजवान इस वक्त कम से कम मेरे अंदाज से 8 लाख नौजवान है जो इस वक्त बड़े बड़े ग्रेजुएशन, बड़े बड़े डिग्री कर रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं नहीं। और देखिए परसों हमारे नौजवान साथी जिनको बेचारों ने श्रीनगर में पीसफुल प्रोटेस्ट किया, उनको जेल में भर दिया। क्या यही है हम? क्या यही है 5 अगस्त 2019 के बाद पीसफुल यहाँ के जम्मू कश्मीर? 2014 के बाद अगर हम देखें तो कभी 70,000 नौकरियां, कभी 30,000 नौकरियां कश्मीर के लोगों की रखी गई है, तो आपको लग रहा है कि वो नौकरियां अभी तक क्यों नहीं आई? कहाँ है? अगर आई तो हमारे, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की बात करूंगा, अभी है नहीं कहीं जगह पे। अगर आई तो वो बेचारे इन्हीं डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो कहाँ है? ये खोखले वादे है। इस वक्त आप देखिए हर डिपार्टमेंट में चेक करिए, मैंने PHE की बात की, मैं लिख के दूंगा, हर डिपार्टमेंट की बात मैं करूंगा, चाहे PHE हो, PDDO हो, RNB हो, चाहे फूड हो, जो भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में मुलाजिम रिटायर हो गए हैं, लेकिन नया कोई नहीं लग गया अभी तक। 2014 से अभी तक कोई नहीं लग गया। असल वजूहत क्या है? BJP ठहरा रही है जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस को, PDP को, असल वजूहत क्या है? हाँ, अगर BJP नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहरा रही है तो इनके लिए सवाल है, 2014 से 2023 तक क्या किया है इन्होंने नौजवानों के लिए? अगर हमने गलत किया तो इन्होंने क्या किया? इनको कम से कम ठीक करने चाहिए। कहां किया, किस जगह पे इन्होंने ठीक किया, जरा मुझे बताइए, एक जगह मुझे दिखाइए। और रोज रोज श्रीनगर में प्रोटेस्ट, जम्मू में प्रोटेस्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट, क्यों? अगर इन्होंने ठीक किया क्यों प्रोटेस्ट क्यों? ये इनको खुद ही जवाब वापस मिलता है। तो ये नाकामी है BJP, और क्या है? BJP अगर नाकाम नहीं है और क्या? अगर उन्होंने बोला परसों, शायद मैंने एक इंटरव्यू सुना, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया बाहर, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त पीसफुल है। अगर वाकई पीसफुल है तो मुहर्रम की जुलूस पर पाबंदी क्यों? क्यों पाबंदी क्यों? इस पर सियासत क्यों? अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, अमरनाथ यात्रा ठीक ठाक अगर चल रही है, अगर टूरिस्ट ठीक ठाक आ रही है, दुध पत्र आ रही है, गुलमर्ग, हम उसको वेलकम कर रहे हैं, हम अमरनाथ यात्रा को वेलकम कर रहे हैं, हम दुध पत्र को जो हमारे सया आ रहे हैं हम उसको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन मुहर्रम पे पाबंदी क्यों? 8 मुहर्रम और 10 मुहर्रम पर पाबंदी क्यों? इस पर सियासत क्यों चलानी है? मगर ये आपकी सरकार में भी थी, जब आपकी अगर हमारी सरकार ने गलत किया, मैं पहले भी बोला, मैंने पहले भी अर्ज किया, आज भी, अगर हमारी सरकार ने वाकई गलत किया, इनको ठीक करना है। कहां किया ठीक? किया ठीक कहां किया?
2015 के बाद 14 के बाद कब दिया इन्होंने परमिशन जुलूस निकालने के लिए। अगर आज वाकई बोल रहा है कि अमित शाह साहब बोल रहा है, मैं खुश है कि यहाँ हालात ठीक हो गया। हाँ ठीक है, हालात ठीक है, लेकिन जुलूस पर पाबंदी क्यों? जुलूस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, हमें अपना राइट्स है देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए? इसमें अब सियासत चल गई। मैंने कल एक इंटरव्यू देखा अल्ताफ बुखारी साहब का, जब वो मंत्री रह गए उस वक्त उसने क्या किया? जब हमारा एक साथी हजाओ कब का मंत्री रह गया उस वक्त उसने इस बारे में बात की? आज वो बोल रहे हमने एलजी साहब को बोला कि इस को परमिशन दे दो, उसको उसके साथ क्या है? उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े कुर्सी पे रह गए उस वक्त उनको ये याद नहीं आ गया मोहरम में? आज बोल रहा है कि हमने एलजी साहब से मीटिंग है कि हमने एलजी साहब को कहा कि 8 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को परमिशन दे दो, उस वक्त क्यों नहीं याद आ गया? तो आज याद आ गया। अगर हम कब बात करेंगे, एलजी इंतजामे की तरफ से कल मंडे को एक मीटिंग रखी गई है, शिया लीडर जितने भी है तो उनके साथ मीटिंग रखी गई, इस हवाले से क्या इस जुलूस में परमिशन दी जाएगी या नहीं, तो किस तरह से आप इस मीटिंग को देख रहे हैं एलजी साहब के साथ जो हुआ? अगर एलजी साहब ने ऐसे कदम उठाया हमारे उलमा हजरातों के साथ मीटिंग के, बहुत अच्छा, मैं वेलकम कर रहा है इसको, क्योंकि जुलूस ये हमारे अपना फर्ज है, अपना राइट्स है। अगर वो इस पर मीटिंग करें बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज का, जो चीज ठीक है उस पर हम अप्रिशिएट करेंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुताफिक है इस काम से, इस पे कोई सियासत नहीं करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? कोई नहीं, जुलूस पे खासकर इन चीजों पे नहीं, इन चीजों पे सियासत नहीं, जुलूस पे नहीं। हां सियासत अलग जगह है, लेकिन इन चीजों पे नहीं, खासकर मजहबी प्रोग्राम जो भी होते हैं उन पर नहीं। तो आपने पहले कहा है कि 2019 के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुई है, तो अब हमें बताइए कि किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट होगी? अगर 19 के बाद आज 23 है, आज तक डेवलपमेंट नहीं हुई, तो किस तरह डेवलपमेंट होगी? अगर बीजेपी की सरकार ही रही, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार ही रही तो डेवलपमेंट किस तरह होगी? नहीं हो जाएगी जब तक यहाँ अपनी सरकार नहीं हो जाएंगे, अपने चुने हुए नुमाइंद जिनको पता है हर गाँव उनको ग्रास रूट लेवल पर पता होता है, हर गाँव में हर गली में उनको पता है कहाँ क्या करना है। लेकिन जो इस वक्त बीजेपी सरकार चल रहा है वो दिल्ली से आगे है, उनको क्या पता है पोंचगुंड कहाँ है, मेरा तोशमदान कहाँ है, मेरा हयातपुरा कहाँ है, मेरा अरिपाथन कहाँ है, मेरा वरहुमा कहाँ है, मेरा चिवड़ारा कहाँ, उनको ये कहाँ पता है? लेकिन जमीनी सतह पे उनको कहाँ पता है, जमीनी सतह पे क्या करना है, पानी किस तरह पे इनको देना है, बिजली किस लिहाज से इनको किस तरह देना है, राशन किस तरह इनको देना है, ये यहाँ की जो सरकार चुनी हुई है सरकार, चाहे किसकी भी हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी सरकार किसकी भी हो, चाहे एनसी को हो, पीडीपी को, जो भी हो, मगर कम से कम वो यहाँ का नुमाइंदा होना चाहिए जो जिसको यहाँ के जमीनी सतह का भी पता हो जाए। आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि बिजली बिल्स में जो अभी है इजाफा किया गया है, तो क्या लगता है आपको कि बिजली बिल्स में इजाफा करना चाहिए, जिस तरह से आजकल कश्मीर के हालात है, लोगों को खाना भी नहीं है? मैंने बार बार शायद ये जो हमारे चीफ इंजीनियर साहब एमडी साहब, मैंने उनके साथ कम से कम 4-5 मीटिंग की, उन्होंने मुझे वहां यकीन दिलाया कि हम ये मसला हल करेंगे, लेकिन किया ही उनके हाथ में, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे समझ आ गया, इस वक्त चीफ इंजीनियर साहब जो हमारे हैं उसके हाथ में भी कुछ नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर कौन रहा है फिर ये? सिर्फ ये जो ऊपर हमारे बादशाह बैठे हुए हैं ये उन्हीं के हाथ में है, वो चाहते हैं कि इनको और नुकसान होना चाहिए कश्मीरी आवाम को, ना तो ये कोई मसला है नहीं बिजली बिल ठीक करना। इस वक्त AEE साहब बोल रहे हैं, एक्सन साहब करेगा, लोगों को ठोकरियां खाना पड़ेगी इस वक्त, घर घर के ठोकरियां बेचारे को। AEE साहब बोल रहा है कि जी एक्सन साहब करेगा, एक्सन साहब बोल रहा है, एससी साहब करेगा, एससी साहब बोल रहा है, चीफ इंजीनियर साहब करेगा, चीफ इंजीनियर, अरे भाई जाएगा कहां बेचारा? तो इतनी एक तरफ मतलब यह है कि बीजेपी खुद चला रही है सब, कोई अफसर यहां पर कुछ नहीं, और क्या? मैंने पहले भी अर्ज किया, अभी भी मैं अर्ज करूंगा, यहां सब कुछ ये खुद कोशिश कर रहे हैं खुद चलाने के, लेकिन ये कामयाब नहीं हो जाएंगे इन मिशन में, नहीं हो जाएंगे, मैं यकीन से लिख के दूंगा ये कामयाब नहीं हो जाएंगे। लास्ट में बताइए कि क्या बीजेपी अब आपको लग रहा है कि 2023 अब जो इलेक्शन होने वाला है सरकार बना पाएगी यहाँ पे? देखिए जनाब, वो लोगों के हक में है, लोग किसको सामने लाएंगे वो लोगों के हक में है, वो मेरे हक में नहीं है, मैं उस पर बात नहीं करूँ, क्योंकि ये लोगों जिस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे लोग खुद खुद ब खुद
ये देख चुनेंगे कि हमें कौन चाहिए, हमें अशरफ साहब चाहिए, हमें कोई और चाहिए, वो लोग फैसला करेंगे, वो मैं फैसला नहीं करूंगा। जी शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ बात कर रहे थे मोहम्मद अशरफ, जो कि वाइस प्रेसिडेंट बड़गाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। हाय शाहिद। हेलो असमत, कहाँ गई थी? मैं देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते, देशभगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIEDP गाइडलाइंस क्या है असमत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया असमत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।